नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, नोगल पुलिस स्टेशन की हद में मीरा भाईंदर में एक ऐसी घटना सामने आई है जिस घटना ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया है, हर किसी को चौंका दिया है। दरअसल नोगल पुलिस स्टेशन की हद में इंद्रलोक क्षेत्र की इंद्रप्रस्था नाम एक बिल्डिंग में रहने वाले राजू पाठक, उनके 13 वर्षीय बेटे शत्रुघ्न पाठक ने अपने घर के बाथरूम से छलांग लगाकर खुद अपनी जान दे दी। और इसकी वजह जो सामने आई है वह वजह काफी चौंका देने वाली वजह है। दरअसल इस मामले पर नवगर पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर ने जो आधिकारिक बयान दिया है उसमें उन्होंने जानकारी दी कि 4 अप्रैल को यह घटना घटित हुई और इस 4 अप्रैल को शत्रुघ्न पाठक, जो कि राजू पाठक का बेटा था, उसको हजाम की दुकान पे ले गए। उसके बाल जब कटवाए गए तो बाल कुछ ज्यादा काट दिए, छोटे काट दिए गए। बस इसी से खफा होकर उसने आकर इस तरह का इतना बड़ा कदम उठा लिया। उसने खुद को घर के बाथरूम में बंद कर दिया और फिर बाथरूम से छलांग लगाकर खुद की जान दे दी। कई मायनों में एक खबर काफी चौंका देने वाली है, साथ ही साथ बहुत धक्कादायक खबर ये सामने आई है। सुनिए इस मामले में क्या कुछ कहना है नवगढ़ पुलिस स्टेशन के आला अधिकारी का। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। 13 साल के बच्चे ने क्या मामला था, वजह किस तरह का मामला था? ये 4/4/2023 की रात के तकरीबन 11:30 बजे की घटना है। हमारे पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में सोनम इंद्रप्रस्थ करके नाम की एक बिल्डिंग है, वहाँ पर एक 16 मंजिला जो फ्लोर है, 16वें मंजिले पर एक राजू कुमार पाठक इनकी फैमिली के साथ में रहते हैं। उनका जो छोटा बच्चा है शत्रुघ्न पाठक, वो अपने चचेरे भाई के साथ में हेयर सलून में गया था और वहाँ पर उसके जो बाल है वो जरा ज्यादा बारीक कटवा देते, इस बात पर वो खफा हो गया। घर पे आने के बाद में भी उन्होंने बहुत वो नाराजगी प्रकट की, घर वालों ने उसको समझाया लेकिन माना नहीं और वो खुद को अपने को बाथरूम में उसने लॉक कर लिया और बाथरूम की जो एक विंडो है विंडो करके उसने अपने छलांग लगा के जान दी। और उनके पिताजी के इंफॉर्मेशन के तहत पुलिस स्टेशन नवघर में एक एक्सीडेंटल डेथ के तहत तो रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, मामला दर्ज किया गया है और आगे की जो तहकीकात है वो एपीआई फॉलो कर रहे हैं। सर, जिस तरह से इस बच्चे के सामने आए तो कहीं ना कहीं नाराजगी में इतना बड़ा कदम उठा, ऐसे मामलों में माता पिता या उनके किस तरह का कि बच्चे जो है वो अपनी ना बात बताए और इस तरह का जो कदम ना उठाए, क्योंकि एक आत्महत्या करना बहुत बड़ी बात है। बराबर है, लेकिन कभी कभी ये इतने छोटी सी बात पर बच्चा ऐसा करेगा ये भी लेने की पेरेंट्स को मालूम नहीं रहता है। ये तो एक एग्जांपल है, लेकिन ये अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पालक और बच्चे हैं उसमें अच्छा कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, एक अच्छा सुसंवाद होना जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसी कोई अप्रिय घटना न घटे। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786